तो आपके अपने YouTube चैनल UGC में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यानी ग्राम पंचायत यानी पंचायत व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन करवाए। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, अभी ग्राम सचिव की यानी दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था है उससे संबंधित मैंने पहले भी करवाया था। यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट होती है यानी 11 अक्टूबर 1959 यानी आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होती है। इसको स्टार्ट करने वाले थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उस ये बात थी गैर संवैधानिक थी। बात करते हैं संवैधानिक रूप से इसको मान्यता कब मिली थी, ठीक है। तो बात करते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन, कौन सा 73वां जो संवैधानिक संशोधन होता है वो कब होता है, अभी 1992 में होता है। 73वां जो संवैधानिक संशोधन होता है वो कब होता है, 1992 में होता है। अभी बात करते हैं यानी भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक रूप से कब मान्यता मिली थी, यानी भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक रूप से कब मान्यता मिली थी, तो वो मिली थी आपको यानी 24 अप्रैल 1993 को भारत को क्या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से यानी मान्यता मिल गई थी। संवैधानिक रूप से उसको क्या मिल गया था, दर्जा मिल गया था। कब, 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1992 को। अब बात करते हैं, यही बात करते हैं हरियाणा की, क्या बात करते हैं हरियाणा की, यानी हरियाणा को संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 22 अप्रैल 1994 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम सचिव की साथ 6 शिफ्ट होने वाली है और 6 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हरियाणा में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब से लागू हुई थी, तो 22 अप्रैल 1994 को। यहीं से एक और डेट निकालते हैं, यानी 22 अप्रैल की जगह क्या कर लो आप 21 अप्रैल, यानी 21 अप्रैल 1994 को क्या राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई थी किसको, हरियाणा को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए क्या मिल गई थी, मंजूरी मिल गई थी। कब, 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल 1994 को क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है कहाँ, हरियाणा में, ठीक है। भारत में कब होती है, 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं यानी 24 अगस्त 1994 की हम बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, संविधान द्वारा यानी पंचायती राज के चुनाव के लिए नियम बनाए जाते हैं। कब, 24 अगस्त 1994 को क्या किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं किससे संबंधित, चुनाव से संबंधित नियम बनाए जाते हैं। अभी किससे संबंधित बनाए जाते हैं, चुनाव से संबंधित क्या बनाए जाते हैं, अभी नियम बनाए जाते हैं। कब, 24 अगस्त 1994 को। उसके बाद की डेट की बात करते हैं, 95 में क्या होता है, पुनः संशोधन होता है, ठीक है। ये शायद 16 फरवरी की बात है, अभी 16 फरवरी 1995 में क्या होता है, पुनः संशोधन होता है। उसके बाद में 16 फरवरी 1998 में क्या होता है, दोबारा से फिर भी क्या संशोधन होता है। तो ये है यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डेट वाइज मैंने बताया आपको, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर ग्राम सचिव की परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। भी इसके बाद की बात करें, मैं इसको साफ कर देता हूं, इसकी अगर बात की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित यह भी पूछा जाता है, हरियाणा में कुल गांव कितने हैं, किसने आ सकते हैं भाई, हरियाणा में कुल गांव कितने हैं, कुल गांव की बात आ जाए, कुल गांव यानी कुल गांव कितने हैं। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना भी। अगर क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल गांव कितने हैं, तो कितने हो गए, 6,841, कितने हो जाएंगे भाई, 6,841 गांव,
किसके अकॉर्डिंग ये 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में कुल गांव कितने भी 6841 गांव हैं। ठीक है भी, अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान की बात करें यानी वर्तमान में गांव कितने हैं तो 7356 कितने भी वर्तमान में, अगर वर्तमान में अगर गांव की बात करें तो कितने भी 7356। अब यहाँ एक बात देखो भी, प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है भी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल गांव कितने हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा 6841। ठीक है भी, अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा में कुल गांव कितने हैं, ऊपर ये ऑप्शन भी है नीचे ये ऑप्शन है तो राइट कौन सा होगा ये माना जाएगा। ठीक है भी, अब बात करते हैं हरियाणा में ग्राम पंचायत कितनी है। अगर ग्राम पंचायत की जिक्र आ जाए, हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत कितनी है, ठीक है, तो कितनी अभी 6212, कितनी अभी 6212, ये किसके अकॉर्डिंग है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार है, कितनी 6212। ठीक है, अगर पूछ ले वर्तमान में ग्राम पंचायत कितनी है, बात कर लें करें वर्तमान की, वर्तमान की अगर वर्तमान की बात करें तो कितनी अभी 6197। ठीक है, करेक्ट डाटा है, ये भी करेक्ट डाटा है, ये भी करेक्ट डाटा है भी। ठीक है, करंट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी वर्तमान में कितनी है 6197। क्वेश्चन आता सर जी ये कहाँ से लिया आपने, तो यानी 2016 में, कब 2016 में ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, तब क्या थी भी संख्या, क्या थी ग्राम पंचायत की संख्या, क्या थी 6197 थी भी। ठीक है, 2016 में ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, अभी 2021 में जनवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब से पहले कब हुए थे 2016 में हुए थे, तब ग्राम पंचायत की संख्या कितनी थी 6197 थी। ठीक है, यहां तक क्लियर भी। अब बात करते हैं इससे आगे चलते, हम स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकता है भी। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं, तो इससे बात करते हैं कि हरियाणा का प्रधान सचिव कौन है भी, हरियाणा का प्रधान सचिव, क्वेश्चन आता है हरियाणा का प्रधान सचिव कौन है, हरियाणा का प्रधान सचिव, क्वेश्चन आता है हरियाणा का प्रधान सचिव कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, हरियाणा का प्रधान सचिव कौन है, तो कौन है भी सुधीर राजपाल, कौन है भी सुधीर राजपाल, कौन है भी सुधीर राजपाल है, हरियाणा का प्रधान सचिव कौन है, सुधीर राजपाल है, सचिव एक ही होता है भी। ठीक है, हरियाणा का जो प्रधान सचिव वो एक ही होता है, वो कौन है सुधीर राजपाल है। अगर क्वेश्चन आता है विशेष सचिव कौन है, अगर क्वेश्चन आता है विशेष सचिव कौन है, विशेष सचिव क्वेश्चन आता है विशेष सचिव कौन है, तो कौन है भी रमेश चंद्र विधान, कौन है भी रमेश चंद्र विधान, रमेश चंद्र विधान है भी कौन है विशेष सचिव। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है प्रधान सचिव कौन है सुधीर राजपाल, अगर क्वेश्चन आता है विशेष सचिव कौन है तो रमेश चंद्र विधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, इसके बाद की बात करें हम, क्वेश्चन आता है क्योंकि अगर ग्राम सचिव का एग्जाम होने वाले हो और वहाँ से गांव से संबंधित बड़े क्वेश्चन उठने वाले हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित बड़े क्वेश्चन उठने वाले हैं, तो बात करें स्वच्छता की, यानी स्वच्छ भारत और क्या स्वच्छ हरियाणा मिशन की शुरुआत कब हुई। अगर स्वच्छता की साफ सुथरे की बात आ रही है तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही उठता है, तो बात करते हैं स्वच्छ भारत की मिशन की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी भी 2014 में, कब हुई थी भी 2014 में। अगर बात करें स्वच्छ हरियाणा की बात करें तो कब हुई थी भी 1 नवंबर 2014 को भी, 1 नवंबर 2014 को, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी स्वच्छता के बारे में, यानी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी 2000
14 में। अगर बात करें स्वच्छ हरियाणा मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2014 को भी। क्लियर। इसके बाद की बात करें हम, यानी हरियाणा में क्वेश्चन आता है राजीव गांधी पंचायत विकास का मुख्यालय कहाँ है, पंचायत का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, राजीव गांधी पंचायत विकास का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नीलोखेड़ी। कहाँ होगा अभी, नीलोखेड़ी कहाँ पड़ता है अभी, नीलोखेड़ी पड़ता है करनाल में। कहाँ पड़ता है अभी, करनाल में, जिसको सीएम सिटी भी बोला जाता है, करनाल में। नीलोखेड़ी क्या है अभी, रिजर्व सीट है अभी, आरक्षित सीट है, विधानसभा की आरक्षित सीट आ रही नीलोखेड़ी है। ठीक है अभी, इसके बाद की बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। कुल गांव की बात कर रहे थे हम, यानी हरियाणा में कुल गांव आज 2011 की जनगणना के अनुसार आज तो क्या है, 6,841 है, वर्तमान में आ जाए तो 7,356 है अभी। ठीक है, अब गांव की बात हो रही थी तो बात करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गांव कौन से ज़िले में है, बात करते हैं सबसे ज़्यादा गांव किस ज़िले में है, सबसे ज़्यादा गांव की बात आ जाए, कौन से ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा जो गांव है कौन से ज़िले में, अभी यमुनानगर में। कहाँ है अभी, यमुनानगर में। कहाँ है अभी, यमुनानगर, जो यमुना नदी के कारण इस नगर का नाम रखा गया था, यमुनानगर, जो बारामासी नदी है हमेशा बहती है, यानी जिसका क्या नाम है अभी, यमुनानगर। यानी सबसे ज़्यादा गाँव क्वेश्चन आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गांव है वो कौन से ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा गांव है वो कौन से ज़िले में, भी यमुनानगर में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो कितने हैं, तो कितने भी 648, याद कर लो भी, करेक्ट डाटा है अभी। ठीक है, सबसे ज़्यादा गांव आ जाए, सबसे ज़्यादा गांव कौन से ज़िले में है, तो कहाँ भी, यमुनानगर में, और कितने हैं, 648। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन एक और बनता है अभी, अगर ज्यादा गांव आ जाए तो यही क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कम गांव कौन से जिले में। अभी क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा में किस जिले में सबसे कम गांव है, अगर सबसे कम गांव की बात आ जाए तो कहां भी, रोहतक में कितने अभी, 148, कितने हैं, 148। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गांव है, तो कहाँ है अभी, रोहतक में, और कितने हैं, 148, कितने अभी, 148। क्लियर भाई, साफ कर देता हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकता है भाई। इसके बाद की बात करें तो यहाँ क्या आगे, गांव आगे भी, गांव में क्या होती है भी, ग्राम पंचायत होती है, यानी सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत किस जिले में है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत किस जिले में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है वो किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत की बात आ जाए, सबसे ज़्यादा गांव कहाँ है भी, यमुनानगर में, तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कहाँ है भी, यमुनानगर में है, कहाँ है भी, यमुनानगर में, यमुनानगर में है, और कितनी अभी, 472, कितनी अभी, 472। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हरियाणा के किस ज़िले में है, तो कहें अभी, यमुनानगर में है, और कितनी अभी, 472। उसके बाद की बात करें, यानी सेकंड नंबर पे कौन सा आता है अभी, अंबाला, आमों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा थी अंबाला, हल्दी सबसे ज़्यादा होती है, आम भी सबसे ज़्यादा होते हैं कहाँ, अंबाला में, और यहाँ ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है भी, 397, कितनी है भी, 397। ठीक है, इसके बाद की बात करें,
कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी बोलते हैं जिसको, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तीसरे नंबर पे आता है। कुरुक्षेत्र में कितनी है अभी? 393। ये तीन मैंने क्यों लिखाई है अभी, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, अभी क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है, वहां ऑप्शन में क्या यमुनानगर मिलता ही नहीं है। अभी क्या नहीं मिलता है? यमुनानगर मिलता है नहीं। यहाँ मैंने तीन ऑप्शन क्यों दिए, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने तीन बताए आपको। यमुनानगर मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, कौन सा है, अम्बाला। ये दोनों नहीं मिलते तो कौन सा मिल जाए, कुरुक्षेत्र। तीनों में से एक जरूर मिल जाता है अभी, ठीक है अभी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा की, ठीक है। अब बात करते हैं यानी कम की, ठीक है। यहाँ करवा देता हूँ मैं, अगर क्वेश्चन आता है यानी सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत किस जिले में, अगर क्वेश्चन आता है यानी किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, यानी कम ग्राम पंचायत, कम ग्राम पंचायत, कम ग्राम पंचायत कौन से जिले में है, तो पहला जिला कौन सा है अभी? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कितनी अभी? 116। कितनी अभी? 116 है। फरीदाबाद की बात करें तो कितनी अभी? 116 है। यानी कम ग्राम पंचायत की बात आ जाए। क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, तो किस जिले में है अभी? फरीदाबाद में। कहा भी? फरीदाबाद में है। अगर सेकंड लास्ट की बात करें, इससे नीचे एक और है, यानी सेकंड लास्ट की बात करें, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है अभी? चरखी दादरी। कौन सा आता है अभी? चरखी दादरी, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री अभी जगमोहन डालमिया ने बनाई थी, चरखी दादरी। चरखी दादरी, चरखी दादरी में कितनी है अभी? 160। कितनी अभी? 160, 160 है अभी। कहाँ? चरखी दादरी में, ठीक है। तो ये थी क्या थी, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत किस जिले में है, सबसे कम ग्राम पंचायत किस जिले में है, सबसे ज़्यादा गांव किस जिले में है, सबसे कम गांव किस जिले में है। तो यहाँ ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ग्राम पंचायत से संबंधित है, और अभी ग्राम सचिव के एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर में, 6 शिफ्ट होने वाले हैं, और 6 शिफ्ट में से इस वीडियो जो आज की वीडियो कराई है उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको देखने के लिए। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है ग्राम पंचायत से संबंधित, एक ही वीडियो ये बना दी, और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। यानी तीन वीडियो में जितना का जितना जो ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।